ओम शांति। मैं मंजुश्री अपने चैनल मैजिकल क्रिएशंस पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मंडाला आर्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। मंडाला आर्ट संस्कृत से लिया शब्द है, इसका अर्थ होता है सर्किल। ये ध्यान पूजा अनुष्ठान में यूज करते हैं। विश्व में बुद्ध धर्म ने सबसे पहले इसे स्टार्ट किया था। भूटान, तिब्बत, नेपाल, चीन, भारत और इंडोनेशिया में 4th सेंचुरी में इसे स्टार्ट किया गया। इसे मेडिटेशन एंड वर्शिप के लिए यूज करते हैं। ये फोकस पावर को हमारे इंक्रीज करता है और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसको हम चाहे पेंसिल से बनाएं, चाहे पेन से बनाएं, चाहे कलर्ड बनाएं, और बहुत एनर्जी आती है इससे। इसलिए आज मैंने ये आर्ट फॉर्म बताने के बारे में आपको सीखा है। जब भी हम इसको बनाएंगे तो पहले हम एक ग्रिड बना लेते हैं। पहले मैंने देखे एक एक इंच सेंटीमीटर पे एक एक सर्कल्स बनाए हैं। फिर एक वो लेकर डी लेकर के मैंने हर एंगल पे एक एक लाइन खींच दी है, सेंटर से उसको मिला दिया है। और फिर इसको हमने बनाना शुरू किया। इसमें बहुत सारे सिंपल पैटर्न्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हम यूज़ करते हैं जो हम लोग हमेशा से यूज़ करते आए हैं। और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये बहुत इजी है, हम अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न्स इसमें फिल कर सकते हैं। एक ग्रिड हमने बनाया है। ग्रिड जो है इसका मेन पार्ट है। जब ग्रिड बन जाता है तो क्या होता है कि हमारा सारी चीज़ें बराबर आती हैं, नहीं तो ऐसे हम बनाएंगे तो हमारा कोई चीज़ बड़ी हो जाएगी, कोई छोटी हो जाएगी। ग्रिड बनाने से हमारा सब कुछ एक सा आएगा और बहुत जल्दी, यकीन मानिए बहुत जल्दी, मुश्किल से 10 से 12 मिनट में ये हमारा रेडी हो जा रहा है। मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, लेकिन आप आराम से जब भी बनाएंगे तो आपका मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगता है बनाना, यदि आपने ग्रिड बना लिया है तो। उसके बाद ग्रिड का टाइमिंग छोड़ करके आपको 10 से 12 मिनट लगेगा। और ग्रिड बनाना भी बहुत इजी है। यदि आपके पास में पूरी सर्किल वाली डी ना हो तो आप जो है हाफ वाली डी से भी यूज कर सकते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुली और कितना जल्दी फील होता जा रहा है, क्योंकि हमने ग्रिड बना रखा है तो हमारा सिमेट्री भी आ रही है, एक जैसे सारे पीसेस बराबर भी आ रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि कोई बड़ा हो जा रहा है, कोई छोटा, क्योंकि हमने ग्रिड बना रखा है। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ग्रिड। मैंने इसमें पेंसिल यूज़ करी है। मैंने नोट डाउन किया एक बात को कि यदि मैं कोई और कंपनी की पेंसिल यूज़ करती हूँ तो उतना डार्क नहीं आ पाता है। मैंने 2H, 4H, 4B, 6B, 8B, 10B यूज़ करा है। लेकिन जब मैंने फेबर कैसल की पेंसिल्स को यूज़ किया तो उस बहुत ही स्मूथ है वो, और उससे बहुत अच्छा बन रहा है। ये देखिए मैं फेबर कैसल की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा और बहुत जल्दी बन रहा है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन लग रहा है ये। हम इसमें बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं, अपना क्रिएशन दिखा सकते हैं हम। और बहुत इजी है ये बनाना। इसको आप वॉल पे बना सकते हैं। कलर्ड बनाइए, वॉल पे बनाइए, आप इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मंडाला आर्ट के लिए। अभी मैं इसके और भी आपको वीडियोस दिखाऊंगी, और जो इसके पैटर्न्स हैं कि आप क्या क्या पैटर्न्स बना सकते हैं वो मैं आपको इसके बाद वाली जो मेरी वीडियो आएगी उसमें दिखाऊंगी। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए मेरे चैनल को, और जिससे कि मैं और ज़्यादा इंस्पायर्ड हो सकूँ और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाएं। और आपको यदि कुछ पूछना हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप कोई और स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और आपके लिए वो मैं ज़रूर बनाऊंगी, कोई भी वीडियो आपको बनाऊँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे और ज़्यादा खुशी मिलेगी।
और मैं और अच्छा वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं और कितना भी छोटा बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।